हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मंडी परिषद का एग्ज़ाम होने वाला है और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होने वाला है, इसके लिए हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट 1 है और आगे हिंदी से रिलेटेड वीडियो चैनल पर आते रहेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए टॉप 25 क्वेश्चन को इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है ये 14 सितंबर को और इसकी शुरुआत हुई थी 1949 से। देखिए 14 सितंबर डेट तो आपको याद रख लेनी है, साथ ही साथ आपको ये ईयर का नाम ईयर भी याद रख लेना है, 1949। तो ऑप्शन सी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। चार ऑप्शन दिए आपके सामने और इसका सही आंसर होगा अर्ध मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए तीन चीज़ें हैं जो है, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये हैं पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, और इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है अर्ध मगधी अपभ्रंश से। तो आपको ऐसे याद कर लेना ट्रिक के साथ, ए बी सी ये है पूर्वी हिंदी, ए फॉर अवधि, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़। तो ये ट्रिक है आपके लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, अर्ध मगधी। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। चार ऑप्शन दिया है आपके सामने और इसका सही आंसर हो जाएगा शा, सा और शाह, और हाँ ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर, ये सभी हैं ऊष्म व्यंजन। निष्कपट का संधि विच्छेद करना है आपको, चार ऑप्शन दिया है आपके सामने और इसका सही आंसर हो जाएगा निःकपट। और ये कौन सी संधि आपसे पूछ ले कि निष्कपट में अगर संधि विच्छेद किया जाए तो कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि। देखिए बहुत आसान है, इसमें विसर्ग लगा है इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगी। और अगर पूछे कि निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये होता है निः प्लस कपट। प्रश्न है, उल्लास में कौन सी संधि है। चार ऑप्शन दिए आपके सामने और इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि है उल्लास में। और अगर इसका उल्लास का संधि विच्छेद किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत प्लस लास, ठीक है, उल्लास। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो जो अशुद्ध वर्तनी है, चार ऑप्शन दिए आपके सामने हो, तो ये हो जाएगा अंताक्षरी। तो ये स्पेलिंग इसकी गलत है। देखिए बाकी की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, याद कर लेना, अध्ययन कैसे लिखते हैं, अंतर्धान कैसे लिखते हैं और उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी स्पेलिंग मात्रा में गलती है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनना है आपको, तो जो शुद्ध वर्तनी वाला है ये है नुपुर, ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। देखिए पूज्य ये भी गलत दिया है, ईर्ष्या ये भी गलत दिया, वाष्प ये भी गलत दिया है, नुपुर है इसकी स्पेलिंग सही है, तो ऑप्शन डी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही जल्दी में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग 25 क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आठवां प्रश्न है, हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किया जाता है विस्मयादिबोधक, ठीक है, इसका सिंबल ऐसा होता है, निशान ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। नौवां प्रश्न, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दिया है, तो जो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसको जातिवाचक कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम मान लीजिए काशी, यमुना, गंगा, राम इत्यादि, तो ये हो जाता है जातिवाचक, ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न है, दूध में कौन सी संज्ञा है। देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज द्रव्यवाचक, ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिया है, तो ये कहलाएगा प्राविशेषण, ठीक है, प्राविशेषण, विशेषण की जो विशेषता बता दे वो कहलाएगा प्राविशेषण, ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको, तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्त्रीलिंग कौन कौन सा है। याचना स्त्रीलिंग शब्द है, सेना भी स्त्रीलिंग शब्द है, संस्था भी, प्रवेश ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी है, सॉरी डी है हमारा करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा।
साथ ही साथ आप लोग याचना, सेना, संस्था, ये सभी स्त्रीलिंग है, प्रवेश है पुल्लिंग। कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, तो ये किया जाता है क्रिया में, ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्त्री प्रत्यय इन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखिए बाघिन में इनका प्रयोग हुआ है, धोबिन में भी इनका प्रयोग हुआ है, तेलिन में भी इनका प्रयोग हुआ है, देवरानी में इनका नहीं आनी का प्रयोग हुआ है, आनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए जो आप समझ जाइए, जो वर्ण किसी धातु या संज्ञा के बाद लगते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं, और जो धातु के पहले या संज्ञा के पहले लगता है उसको कहते हैं उपसर्ग। तो देवरानी में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ये हुआ है आनी प्रत्यय का प्रयोग। और अगर आपसे पूछ जाए इन कैसा प्रत्यय है, तो ये स्त्री प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, देखिए पहले तो आपको याद कर लेना है कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है, तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है कर्ता ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से, कर्ता ने कर्म को करण से, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है संप्रदान का विभक्ति चिन्ह, तो चार ऑप्शन दिए आपके सामने और इसका सही आंसर हो जाएगा के लिए, ऑप्शन सी है हमारा सही आंसर। 16वां प्रश्न है आप किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए है हमारा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, चार ऑप्शन दिया है लिखवाना, गरमाना, चलना या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया है ये है लिखवाना, तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न है वह घर पहुंच गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है, चार ऑप्शन दिया आपके सामने अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। वह घर पहुंच गया इसमें किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है, संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। गाय का बहुवचन बताना है आपको, तो ये हो जाएगा गायें, ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है पुस्तक पढ़ी जाती है इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है, चार ऑप्शन दिए आपके सामने, देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है इस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, क्रिया की वह रूपांतरण जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य कहलाता है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें जो है किस वाच्य का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है कर्मवाच्य का प्रयोग, ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। 21वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, चार ऑप्शन दिया है बेगम, पैगंबर, बारूद या चेचक, तो जो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है ये है पैगंबर, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा हो जाता है सही आंसर। ये किस भाषा का शब्द है, ये है फारसी भाषा का शब्द, आपको ये भी याद कर लेना है, पैगंबर जो है फारसी भाषा का शब्द है, और बाकी जो शब्द हैं बेगम, बारूद और चेचक ये हैं तुर्की भाषा का शब्द, आप ये भी याद कर लीजिएगा, तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है उसने मुरारी को मारा था इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है, तो इसमें जो है चार ऑप्शन दिया आपके सामने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण भूत, ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। देखिए क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिसमें क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाता है पूर्ण भूत, ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। 23वां प्रश्न है कुछ किस प्रकार का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, चार ऑप्शन दिए आपके सामने और इसका हो जाएगा न्यूनता बोधक, कुछ न्यूनता बोधक, ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न है ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, चार ऑप्शन दिए आपके सामने कंठ व तालु, तालु व जीभ, मूर्धा या जीभ या दांत या जीभ, तो इसका सही आंसर होगा कंठ और तालु, कंठ ताल विभि से कहेंगे, तो 24वें का ऑप्शन ए है हमारा
सही आंसर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ए और ए ये हैं कंठ एवं तालु, इसको कंठ ताल भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर। 25वां प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, भर पेट में कौन सा समास है? चार ऑप्शन दिया, अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु, और इसका सही आंसर होगा भर पेट में अव्ययीभाव समास है, इसका विग्रह हो जाएगा पेट भर। सही आंसर तो है इसका अव्ययीभाव, यानी कि ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर, और इसका जो विग्रह हो जाएगा ये हो जाएगा पेट भर। ओके, तो ये कुछ 25 क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के लिए, और आई होप ये वीडियोज़ आपकी स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।